अब हमारे होम मिनिस्टर जी, उनका नाम खुद अमित शाह है। शाह शब्द पर्शियन से आता है, ठीक है, उनको शायद ये मालूम नहीं होगा। जो कंपलसरी कर दिया गया है, भारत की मातृभाषा हिंदी बताई जा रही है, तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना? देखिए, भारत की मातृभाषा कभी से हिंदी नहीं रही है, ठीक है। हिंदी, ये जो आइडिया है कि हिंदुस्तान में जो लोग हिंदी बोल, सिर्फ जो हिंदुस्तान में वो लोग हिंदी बोलते हैं, और ये टू नेशन थ्योरी से आती है, जहाँ पे ये आइडिया प्रोपगेट किया गया कि हिंदुस्तान में हिंदू रहेगा, जो मुसलमान है वो पाकिस्तान चला जाएगा, और जो मुसलमान है वो उर्दू बोलता है, जबकि ये सरासर गलत है। हिंदी तक प्योर हम लोग कुछ नहीं बोलते हैं, जो हम लोग आम बोलचाल की भाषा में बात करते हैं वो हिंदुस्तानी है। तो इसमें ये हिंदी इम्पोजिशन करना, जहाँ पे हर वर्ग से, हर देश के हर कोने से छात्र आता है, जिन्हें, जो बहुत सारे छात्र हिंदी समझते भी नहीं है, यहाँ तक कि टीचर्स तक ठीक तरीके से हिंदी नहीं बोल पाते हैं सब छात्र, सब टीचर्स। तो ऐसे में इस तरीके की नीतियाँ लाना सरासर एक सर्टन तरीके का कल्चर और एक तरीके की जो नीति है, एक उसको इम्पोज करने का क्या नाम एक साजिश है। अभी ये जो बोला जा रहा है कि भाई हिंदी में आप लोग टेस्ट दो, हिंदी में ही है, कंपलसरी रहेगा, लेकिन अभी बोला बताया जाए तो अगर ये जो हम लैंग्वेजेस बोलते हैं, हम भाषा है जो हमारी बोलचाल की, वो भी प्रॉपर हिंदी नहीं है, उसमें उर्दू वर्ड्स भी यूज़ होते हैं और अलग अलग मतलब टाइप्स के हैं, ये प्रॉपर हिंदी है ही नहीं, खड़ी बोली बोली जाती है हमारे इसी। हाँ हाँ, ये भाषा का जो डिबेट भी चलता है उसके साथ भी ये दिक्कत है कि प्योर हिंदी कुछ नहीं है, जो उर्दू के साथ भी ये दिक्कत है कि प्योर उर्दू कुछ नहीं होता है। ये जो प्योरिस्ट लोग बैठे हैं सरकार में भी, इन लोगों को खुद या तो भाषा की समझ नहीं है। अब हमारे होम मिनिस्टर जी, उनका नाम खुद अमित शाह है, शाह शब्द पर्शियन से आता है, ठीक है, उनको शायद ये मालूम नहीं होगा, पर वो खुद को हिंदू बताते हैं और बोलते हैं कि हिंदी, सब लोग हिंदी बोलिए, ठीक है। और जहाँ तक कि आज हम जहाँ इस जगह खड़े हैं, इसको VC ऑफिस बोला जाता है, आम बोलचाल की भाषा में कुलपति मुख्यालय को ही नहीं बोलता है। तो इस तरीके से कुछ कॉमन चीज़ें होती हैं जिसको, जो आम बोलचाल की भाषा होती है उसको हम लोग किसी एक सर्टन सिरे में नहीं बांध सकते, और भाषा भी ये समय के साथ बदलती है, उसमें नए शब्द आते हैं। तो ये हिंदी बोलना या किसी एक सर्टन तरीके की भाषा का इम्पोजिशन करना बिल्कुल एकदम ढकियानुसी ख्याल है मेरे माइंड में। लेकिन मतलब इसके पीछे क्या कुछ साजिश है, कोई मतलब BJP और इसका एजेंडा बताया जा रहा है आप लोगों के द्वारा, क्योंकि कुछ एजेंडा है कि मतलब एक ही लैंग्वेज को लेकर के जो है कर रहे हैं हर जगह, जो है आप एक क्वेश्चन पेपर भी जो आता है उसमें भी हिंदी और इंग्लिश आता है ना, तो ये टेस्ट में सिर्फ हिंदी कंपल्सरी कर दिया गया है? देखिए, ये आइडिया आता है कि सरकार का जो बड़ा एक प्लान है कि भारत को ये लोग हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, तो वो इन लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहता है और हिंदू सिर्फ हिंदी बोलता है, ठीक है, और जो लोग बाकी भाषाएं बोलते हैं वो या तो कहीं और चले जाएं और यहाँ से मतलब कहीं और अपना बसेरा डाल लें, ठीक है। तो दूसरा एक बात है कि अगर हिंदी में ये लोग कंपलसरी कर रहे हैं, या हिंदू को कुछ समय पहले ही हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की बात भी हुई थी सरकार द्वारा, पर इन लोगों के पास, आप खुद जानते हैं कि हर साल UPSC के पेपर में हिंदी के जो छात्र हैं उनको किस तरीके की प्रॉब्लम उठानी पड़ती है, उनके पास ट्रांसलेशन ढंग की नहीं है, ठीक है, जो रिसोर्सेज इंग्लिश में अवेलेबल है वो कितना हिंदी में सही तरीके से ट्रांसलेट हुआ है वो हम सब जानते हैं कि बिल्कुल नहीं हुआ है, ठीक है। दूसरा कि जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, तो केमिस्ट्री में जो हम एलिमेंट्स पढ़ते हैं उसको हिंदी में कैसे ट्रांसलेट करिएगा, ये इस तरीके की चीज़ें हैं जिसपे ये लोग बात नहीं करेंगे। पर सिर्फ इन लोग के पास भी देखिए कंक्रीट प्लान किसी चीज़ का नहीं होता है, ये हर रोज़ कोई नया ना नई नई नीति जो है वो इम्पोज कर देते हैं, ताकि छात्र जो है वो परेशान रहे, वो जो एजुकेशन है वो सही ढंग से ना ले पाए, और इसी तरीके से हम लोग आपस में लड़ते रहे। और मतलब दिक्कत क्या आ रही है कि एक हिंदी लैंग्वेज को इन्होंने कंपलसरी कर दिया है, अगर DU बोल क्या रहा है आखिर, आप लोग मांग उठा रहे हैं कि इंग्लिश भी हो जाए, तो बोल क्या रहा है DU का मानना ये है कि आपको एक कंपलसरी हिंदी में टेस्ट देना पड़ेगा जो भी बच्चा 8वीं कक्षा तक हिंदी नहीं पढ़ा है, ठीक है। और अब इसमें दिक्कत यह है कि जो बच्चा 8वीं तक हिंदी नहीं पढ़ा है वो या तो देश के ऐसे राज्यों से आता है जहाँ पे हिंदी आम बोलचाल की भाषा नहीं है, मान लीजिए दक्षिण भारत या क्या नाम नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, हाँ,
तो और दूसरा कि ज़रूरी भी नहीं है कि वो इसी राज्य से आए, बहुत सारे उत्तर में भी ऐसे स्कूल्स हैं जहाँ पे हिंदी एज अ मीडियम नहीं पढ़ाई जाती है, इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं। तो ऐसे में दिक्कत ये है कि जो छात्र यहाँ पढ़ने आ रहा है वो ये उसमें अड़चन पैदा हो रही है। भाषा कभी भी देखिए पढ़ाई के मामले में अड़चन नहीं बननी चाहिए, एजुकेशन होती है कि सरकार कोशिश करे या कोई भी इंस्टीट्यूशन है वो कोशिश करे कि किस तरीके से एजुकेशन फीजिबल हो जा रही है, किस तरीके से आसान बनाया जा रहा है एजुकेशन को। पर यहाँ ये लोग कर रहे हैं कि हर रोज़ कोई ना कोई एक नई अड़चन छात्रों के सामने खड़ी कर देते हैं इस तरीके की कि कोई कंपल्सरी टेस्ट दीजिए फलाना ढंग। लेकिन आप लोगों पर भी आरोप लगता है कि भैया आप लोग नेतागिरी करने आ जाते हैं, और जे एन यू से तो अधिकतर हमेशा से टुकड़ा टुकड़ा गैंग बोला ही जाता है, आप लोग राजनीति करने आ जाते हैं, आपको कोई एक टॉपिक चाहिए बस। देखिए हम अपने आप को कोई नेता नहीं मानते हैं, ना हमारे पास इतना कोई रिसोर्सेज है कि हम नेता जैसे बन सकें। हम एक आम छात्र हैं जो कैंपस में चीज़ें समझता है, पढ़ता है, और जो भी चीज़ें कैंपस में गलत होती है हम उसके खिलाफ एकजुट होकर आवाज़ उठाते हैं। और अगर अब ये लोग कहते हैं कि हम लोग हर रोज़ कोई ना कोई नया मुद्दा उठा के ले आते हैं, तो गलती भी फिर इन्हीं की है कि हर रोज़ या हर हफ्ते नया नया मुद्दा दे देते हैं। ठीक है, कुछ अच्छा चीज़ा भी करिए, हम लोग तारीफ़ करेंगे बेशक आपकी। इतना अच्छा कर तो रहे, हिंदू राष्ट्र भी बन रहा है। देखिए हिंदू राष्ट्र बन गया तो बहुत अच्छा अच्छा हो जाएगा सब लोग। अभी भी जिस तरीके से पकड़ा गया महिलाओं की भी सुरक्षा हो गई है, दलित बहुत सुरक्षित है इस देश में, हिंदू राष्ट्र की दिशा में हम लोग जा रहे हैं। तो इसीलिए सरकार को बधाई कि भगवान में रंग रही है वो सरकार सबको। तभी आप लोग विरोध करने आ जाते हैं। बिल्कुल, देखिए हमारा मानना यह है कि छात्र जो है वो देश की रीढ़ की हड्डी होता है, उसके पास दिमाग होता है, उसके पास कलम होती है। जो आइडियाज़ भगत सिंह और अंबेडकर जैसे हमारे नेताओं ने हमें दिए, उसको हमें आगे लेके जाना है और इस तरीके का एक देश बनाना है जहाँ पे सबके पास शिक्षा हो, सबके पास काम हो, सबके पास एक ऐसा देश बने जहाँ पे सबके पास समानता हो। पर ये लोग ये कर रहे हैं कि एक तरीके की चीज़ें, एक तरीके का कल्चर, एक तरीके का पहनावा, एक तरीके का भाषा सब देश पे इम्पोज कर रहे हैं। बल्कि ये देश जाना इसलिए जाता है कि यहाँ अलग अलग तरीके के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषाएं बोली जाती हैं, अलग अलग तरीके का खाना है, पहनावा है, और इसी डाइवर्सिटी को हमारे जो लीडर्स हैं, हमारे नेता हैं, उन्होंने एक सिरे में बांध के इस देश को बचाया है, ये जो हमारा इतना प्यारा देश है। और ये लोग इस देश की डाइवर्सिटी को ख़त्म करना चाहते हैं, उस पर ये हमला है और हम उस हमले के खिलाफ हैं। चलिए, तो ये छात्र है जो लगातार इन पर आरोप लगते हैं, भाई टुकड़ा टुकड़ा गैंग भी बोला जाता है इनको, और लगातार जो है ये अब सरकार के विरोध में खड़े रहते हैं, ऐसे आरोप इन पर लगते हैं। लेकिन ये देखिए आपकी एक लैंग्वेज जो है इनके ऊपर थोपी जा रही है, कंपलसरी हिंदी लैंग्वेज जो है कंपलसरी कर दी जा रही है। भाई एक क्वेश्चन पेपर तक में भी जो है हिंदी और इंग्लिश इस तरीके का आता है, लेकिन यहाँ पर जो है टेस्ट हिंदी में ही देना होगा। तो आप समझिए कि किस तरीके के एजेंडे को सेट किया जा रहा है, किस तरीके से लगातार छात्रों की शिक्षा पर वार किया जा रहा है, कभी NEP लाकर तो कभी इस तरीके की ये जो तरीके हैं ला ला कर ढूंढ दिए जाते हैं और फिर इन्हीं छात्रों को जेलों में ठूस दिया जाता है। मैं इन छात्रों की ओर नहीं हूँ, लेकिन आप भी सोचिए कि क्या राजनेता है, जो जितने मंत्री हैं, क्या उनके बच्चे बाहर पढ़ने नहीं जाते, या लैंग्वेजेस से, या वो अलग लैंग्वेजेस में बात नहीं करते, या आज जो इतना डिजिटल इंडिया बना दिया है मोदी जी ने, आज उस समय में यहाँ पर हिंदी कंपलसरी बताई जा रही है। तो ये बड़ी विडंबना है और सोचने वाली बात है, आप भी सोचिए। इसी के साथ देखते रहिए जनहित आवाज़, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, विश्वविद्यालय।